You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. But you love me like that. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप भी खुशहाल होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं रेडी शेडी हो गई थी और हस्बैंड का वेट कर रही थी। हस्बैंड का फ़ोन आया था कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं फैमिली को। और संडे ना आज, तो अली को थोड़ा घुमाने के लिए ले जा रहे हैं इसके पापा। तो फिर यहाँ पर हम रेडी हो गए थे और वेट कर रहे थे कि अभी तक नहीं आए हो, मैं बार बार कॉल कर रही थी। तो फिर देखिए, यहाँ पर आ चुके थे मेरे हस्बैंड और यहाँ पर मैंने पहन लिया है बाया। तो जो है ना, अली की छुट्टी है संडे वाले दिन, तो अली को थोड़ा घुमाने के लिए ले जा रहे थे इसके पापा। और फिर तो देखिए बिज़ी हो जाएगा अली, और एग्ज़ाम स्टार्ट है, आपको मैंने बताया था है 1 मार्च को फर्स्ट पेपर है अली का। तो थोड़ा मैंने कि चलो इसे इंजॉय करा देते हैं। तो मैंने फिर उससे प्रॉमिस भी किया था कि अच्छे से याद का एग्ज़ाम देना और बस अब एग्ज़ाम में और अपना पूरा टाइम लगा देना और बस अच्छे से मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो उसने प्रॉमिस किया, मम्मा एक बार चलो मुझे घुमा ले आओ और फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊंगा। वैसे तो देखिए बहुत बिजी हो रहा है आजकल अली, ट्यूशन और जो है स्कूल ये चल रहा है इसका, क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है पूरी ट्यूशन वगैरह में भी और स्कूल में भी। तो काफ़ी बिजी हो रहा है मेरा बेटा। तो फिर बस थोड़ा सा इसके पापा कहने लगे चलो थोड़ा घुमा लाते हैं। और देखिए आगे चल करके हमें इतना लंबा जाम मिल गया था ना, बहुत ज़्यादा, इतना ट्रैफिक जाम हुआ था बहुत ही। और यहाँ पर तकरीबन हमें ना 1 आवर लग गया था बैठे बैठे, इतनी हीट हो गई थी ना कार के अंदर। और फिर अली एसी ऑन करने लगा और बोल रहा था मम्मा आप तो अच्छा लग रहा है आपको, और ऐसी हीट हो जाती है। और वैसे भी अब तो गर्म मौसम आ चुका है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और बस यहाँ पर तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था जाम। और यहाँ पर अली बैठा हुआ जो है इंजॉय कर रहा था ऐसे ही, और आपको कार के फीचर्स दिखा रहा है लाइट्स ऑन करके, और कभी अब जो है सीट को फोल्ड कर रहा था, कभी इसको लेटने बैठने की कर रहा था, और बस फुल इंजॉय किया हुआ था इसने, फुल मस्ती की हुई थी। और अच्छा लगता है बच्चे ऐसे खुश होते हैं, और जो है मुझे तो बहुत खुशी होती है अली को ऐसे खुश देख करके। आप भी अपने बच्चों को ऐसे इंजॉय किया कराया करें गाइज। और देखिए फिर हमें ना रास्ते में से अपनी सिस्टर को भी लेना था, और मेरी सिस्टर की बेटी भी जा रही थी हमारे साथ घूमने के लिए। देखिए अच्छा लगता है सबके साथ ऐसे इंजॉय करो, और काफ़ी लोगों में ही मेरा मन लगता है और अली का भी। तो यहाँ पर देखिए फिर हम जा रहे थे, ये ना हमारे सहारनपुर का चौकी सराय रोड है, और देखिए यहाँ पर देखिए कितना बड़ा सा टाइगर बना हुआ है। और देखिए बच्चे ना बहुत खुश होते हैं इसको टाइगर को देख करके। और अब तो माशाल्लाह हमारे सहारनपुर में ना काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है बन रही है ना, और रोड्स भी इतने अच्छे हो गए हैं बहुत ही। तो यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का सहारनपुर में, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम लग रहा है, इधर उधर से निकल के जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर बैठी हुई है, मेरी भांजी बैठी हुई है, और यहाँ पर देखिए हम पहुँच चुके थे अपने लोकेशन पे। हम आए हैं एक्चुअली घूमने के लिए जेनजी मॉल। ये मॉल ना हसनपुर चुंगी जो है दिल्ली रोड वहाँ पर बना हुआ है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। हमारे घर से ना यहाँ पर आने में मिनिमम 1 आवर लगता है, बट आज ना हमें 2 आवर लग गए यहाँ पर आने में, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना था ना बहुत ज़्यादा, इतना लंबा जाम लगा हुआ था। और फिर देखना हस्बैंड पता नहीं इधर उधर से शॉर्ट रास्तों से निकाल करके लेकर के आए हैं यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर पहुँच चुके थे हम जेएनजी मॉल, और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है, और काफ़ी बार आ चुके हैं हम यहाँ पर, अच्छा लगता है आकर के।
और ना बस देखिए बच्चों को ना ऐसे इंजॉय कराते रहना चाहिए, मतलब लोकल में ही ऐसे ही काफ़ी जो है लोकेशन होती है, वहाँ पर ले जाओ बच्चों को, इंजॉय कराओ, तो बच्चों को माइंड फ्रेश हो जाता है। और अब देखिए बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो फिर उससे पहले मैंने सोचा चलिए, और संडे का दिन था एक्चुअली, सबसे बड़ी बात तो ये, तो मैंने सोचा अली को थोड़ा इंजॉय करा लूँ और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम में भी अली का मन लगेगा। तो मैं आ गई थी यहाँ पर अली को लेकर के मॉल में, और इस तरह ना बच्चों की वजह से ना अपना भी थोड़ा जो है इंजॉय हो जाता है। तो मैं तो अब ऐसे करती हूँ, अपने शहर में काफ़ी लोकेशन होती हैं, बाहर तो जाने के लिए देखिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है और ऐसे तो बाहर नहीं जा पाते, तो अपने जो सिटी में इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन बनी होती हैं, तो मैं वहाँ पर अली को इंजॉय करा देती हूँ और अपना भी इंजॉय हो जाता है। और एक हाउसवाइफ को आपको पता ही है टाइम नहीं मिल पाता है, अपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, उसमें ही लगी रहती है और बिज़ी रहती है और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। तो फिर अब आपको एक बात बताऊँ, पहले तो देखिए मैं कहीं भी नहीं आती जाती थी, जब से व्लॉगिंग करने लगी हूँ ना, तो तब से तो मैं थोड़ा बाहर जो है निकलने लगी हूँ, आपको अपने शहर की चीज़ें दिखाने लगी हूँ, इतनी प्यारी प्यारी जगहों पे घुमाने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ, तो मैं भी इस वजह से घूम रही हूँ। तो पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती थी, इतना आलस आता था मुझे, बस घर में ही अपने कामों शामों में लगी रहती थी, घर के जो है जिम्मेदारी इतनी थी तो बस उसी में लगी रहती थी मैं। बट अब थोड़ा अपने लिए भी मैं टाइम निकालने लगी हूँ, तो देखिए आप भी ऐसे ही अपने थोड़ा अपना टाइम निकालिए और आप भी इंजॉय कीजिए। और यहाँ पर देखिए अली मेन्यू सेलेक्ट कर रहा है कि इसको क्या लेना है, और देखिए खुद ने अपने लिए सेलेक्ट किया था बनाना शेक चॉकलेटी फ्लेवर वाला, इसको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड ने ली थी कोल्ड ड्रिंक और पेटीज़ वगैरह, और सिस्टर ने, मेरी भांजी ने और मैंने, हमने चूज़ की थी अपने लिए मैगी, और मुझे ना यहाँ की मैगी अच्छी लगती है। और देखिए भापुड़ दी यम्मी यम्मी और स्पाइसी बनी हुई थी, काफ़ी तीखी सी, बहुत अच्छी लगी थी, टेस्टी टेस्टी बनी हुई थी। और फिर हम यहाँ से लिफ्ट के थ्रू आने लगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, तो काफ़ी देखिए माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है ये मॉल। और देखिए आप भी आइए यहाँ पर, अपने बच्चे को एंजॉय कराइए। और यहाँ पर ना बच्चों के काफ़ी गेम जोन हैं, तो देखिए कार्स हैं और बाइक्स भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं ऐसी जगहों पर। और अली तो बहुत खुश होता है यहाँ करके, जब भी आता है ना तो कार्स बाइक्स ज़रूर चलाता है, इसको कारें इतनी पसंद है ना बहुत ज़्यादा। और बच्चों की देखिए छोटी छोटी खुशी अच्छी लगती हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, यही पेरेंट्स को देख करके ना खुशी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर इतनी फैमिलीज आ रही थी ना अपने बच्चों को इंजॉय कराने के लिए बहुत ही। और फिर देखिए हमने ना यहाँ पर एक मूवी देखी पहले, फाइटर, जो नई न्यू मूवी आ रही है ऋतिक रोशन की, वो हमने देखी। कैटरीना कैफ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसमें मॉल में ना काफ़ी पिक्चर्स देख चुकी हूँ, जब भी आती हूँ तो पिक्चर ज़रूर देखती हूँ। तो यहाँ पर हमने फाइटर मूवी देखी, काफ़ी अच्छी है और बहुत मज़ा आया मुझे देख करके। आप भी आइए और आप भी ज़रूर इंजॉय कीजिए फाइटर मूवी, तो आपको भी अच्छी लगेगी, इंजॉय कीजिएगा ज़रूर आकर के मेरे कहने से एक बार मॉल में। और किस किस ने देखी है मूवी मुझे ज़रूर बताना और कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये पिक्चर। तो देखिए काफ़ी इंजॉय करने के बाद ना फिर हम यहाँ से जाने लगे थे, और काफ़ी मज़ा आया और इंजॉय किया, सिस्टर वगैरह ने और
मेरी भांजी ने लाइबा ने, और हमने बहुत मज़ा किया। अली बहुत मज़ा कराता है, काफ़ी चीज़ें तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाती हूँ, और बस ये ना बहुत मस्ती करता है। इसको ना सबके साथ बड़ा मन लगता है, और अकेले जाना कहीं भी पसंद नहीं करता है। बच्चे कैसे होते हैं, पेरेंट्स के साथ निकल जाते हैं, बट मेरा बेटा ऐसे नहीं है गाइज। आपको पता नहीं, इसको ना काफ़ी लोग चाहिए होते हैं सब जगह जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, फिर हम यहाँ से जाने लगे थे, और देखिए ये खड़ी हुई है हमारी कार, और हम यहाँ पर ना फोटो शूट कर रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे कि आ जाओ जल्दी से आओ। और देखिए आज हस्बैंड जी ने फुल डे हमारे नाम कर दिया था फैमिली के, और अली भी बहुत खुश था। और अच्छा लगता है फैमिली के साथ ऐसे इंजॉय करना, और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है और अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर बाजी भी बैठ रही है, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और जो है हम सब जब कहीं जाते हैं ना तो साथ ही जाते हैं। अकेले मुझे भी जाना पसंद नहीं है, मुझे भी ज़्यादा लोग ही पसंद है, और मेरे बेटे को भी ऐसे ही पसंद है, अच्छा लगता है। बताइए, मेरी मायके की फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, और मेरे ससुराल में भी काफ़ी बड़ी फैमिली है, और माशाल्लाह मेरी 8 सिस्टर हैं, 2 मेरे भाई हैं, और अम्मी हैं, पापा हैं। देखिए इतनी बड़ी फैमिली में जो इंसान शुरू से रह रहा हो तो उसका कैसे अकेले में दिल लगेगा, आप ही बताएं। तो अब मेरी शादी के बाद मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरा एक बेटा है, और मैं हूँ। तो इसका मन नहीं लगता है, और इसका भी नानी के दिल लगता है, और सब अब खाला के साथ दिल लगता है इसका। तो देखिए मेरी ससुराल में काफ़ी बड़ी फैमिली है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं। और फिर देखिए हम यहाँ पहुँच चुके थे चीतल फूड कॉर्नर में, और देखिए रास्ते में हस्बैंड ने रोक लिया था, और थोड़ी पेट पूजा भी तो करनी थी। और आपको तो पता ही है जो बाहर निकलते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है भूख। और फिर देखिए यहाँ पर कुछ सोचा कि चलिए लंच किया जाए, और फिर हम यहाँ पर आ गए थे। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये रास्ते में पड़ता है ये आते हुए। यहाँ पर ना हमारे साइड जो है बड़ी नहर जिसे कहते हैं ना, वो है, उसके आसपास ना काफ़ी अच्छे अच्छे फूड कॉर्नर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और ढाबे बने हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे। तो यहाँ पर रुक कर के लोग इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं हम, और फिर यहाँ पर मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं। oh, where have I been? Stupid silence, you've been standing right there all alone, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. और देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत फूड कॉर्नर बना हुआ है ना, और देखिए फिर यहाँ पर लेकर आ गए थे अंकल हमारा ऑर्डर, और हमने ऑर्डर किया था दाल मखनी और चपाती, और जो है सैलड वगैरह, पिकल, इतना टेस्टी मतलब मिलता है ना, ऐसा फीलिंग आती है यहाँ पर बैठ करके जैसे घर में इंजॉय कर रहे हों फैमिली के साथ। तो बहुत ही अच्छी फास्ट सर्विस है यहाँ पर, और एकदम गर्मा गर्म खाना मिलता है, और ऐसी फीलिंग आती है जैसे घर में बैठे हुए इंजॉय कर रहे हों। और तो फिर जब मैं आती हूँ ना इस साइड तो यहाँ पर जरूर इंजॉय करती हूँ, बहुत ही मजे का मिलता है।
और इतनी टेस्टी बनी हुई थी ना दाल मखनी बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है दाल मखनी। और देखिए यहाँ पर जो है हम इंजॉय कर रहे थे खाना, और गाइस आइए आप भी खा लीजिए हमारे साथ, अभी हमें ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए कितनी, एक तो सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगती है मुझे, इतनी साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है ना, इतनी सफाई है बहुत ज़्यादा। और अंकल देखिए लेकर आए गए थे सॉल्ट और पिकल, इतना मज़े का पिकल था ना बहुत ही, और गर्मा गर्म चपाती लेकर आ रहे थे अंकल, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर आकर के। और फिर हम यहाँ से खाना वाना इंजॉय करके जाएंगे। देखिए अपने इन्होंने फूड कॉर्नर को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और कितनी खूबसूरती से पौधे लगाए हुए हैं, और ये सब प्लांट्स आप देख रहे हैं ना सब ओरिजिनल हैं, और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना यहाँ पर आकर के। और देखिए पैसा वसूल खाना है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आकर के पैसे वेस्ट नहीं होने वाले हैं, इतना अच्छा खाना लगा ना, बहुत ही टेस्टी यम्मी खाना बना हुआ था, और लोकेशन भी इतनी खूबसूरत थी, और साफ़ सफाई का भी इतना ख्याल रखा गया है, और काफ़ी जो है यहाँ की फास्ट सर्विस है। आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए, और आपको भी आकर के ना बहुत अच्छा लगेगा। और फिर देखिए हम यहाँ से निकलने लगे थे घर के लिए, तो आप ज़रूर आइएगा। और बस मैं देखिए आपको अपने शहर की लोकेशन दिखा रही हूँ, और आप भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपके साथ एंजॉय कर रही हूँ। आप मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे been stupid silence, you've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long, I'm only waiting। तो जनाब कैसा लगा आज का आपको मेरा ये इंटरेस्टिंग सा व्लॉग? अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो और लेकर आती रहूँगी, और आपको ऐसे इंजॉय कराती रहूँगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपनी नई नई और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।